रहमान रहीम, जनाब मोहतरम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, चेयरमैन पार्टी राजा जफरुल हक साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पार्लियामानी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा और प्रेसिडेंट पंजाब राणा सनाउल्ला साहब, और मेरे मोजज अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स कौमी असम्बली, टिकट होल्डर्स सूबाई असम्बली, आज का ये इजलास नहायत अहमियत का हामिल है। इससे पहले पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी से जनाब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खिताब कर चुके हैं, और आज की इस तकरीब में वो पार्टी के उन कीमती हीरों से खिताब करेंगे कि जो ना सिर्फ पार्टी के लिए अवाम की हमदर्दियां और हमायत हासिल करते हैं, जिनको 2018 में हराने के लिए बदतरीन साजिशें की गईं, कुछ जगह वो साजिशें और धांधली कामयाब हुई और कई जगहों पर वो धांधली इन शेरों का रास्ता रोकने में नाकाम रही। पाकिस्तान की तारीख में ये मंजर कभी नहीं देखा गया कि एक ऐसी सियासी जमात जिसे इंतखाबात में, बल्कि इंतखाबात से पहले निशाने पे बांध दिया गया हो और उसके बारे में ये तासुर फैला दिया गया हो कि इस जमात को जीतने नहीं दिया जाएगा, इसके बावजूद वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से अक्सरियती जमात बनकर उभरती है। और जब वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचती है तो दो सालों में हर तरह से कोशिशें की जाती हैं कि पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाएं, पार्टी के अंदर तकसीम पैदा की जाए, लेकिन आप में से हर शख्स को यह सेहरा जाता है, आप लायक तहसीन हैं कि आप सब चट्टान की तरह अपने कायद और अपनी जमात के साथ डट के खड़े रहे हैं और उन तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान की जमहूरियत ने यह मंजर भी देखा है कि इस ऑपोजिशन जमात में एमएनए तो दूर की बात है, काउंसलर को भी ये लोग तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। इसकी वजह वो शऊर है, इसकी वजह वो शऊर है और वो सियासी तरबियत है जो हमारे कायद ने इस तंजीम की, इस तंजीम से वाबस्ता लोगों की और इस तंजीम के वोटरों की है। आज ये एमएनए, एमपीए, सेनेटर, टिकट होल्डर भी अपनी जगह पे खड़े हैं और पाकिस्तान का वोटर भी अपनी जगह पे पैर जमा के खड़ा है। आज हम एक तारीखी जिद्दोजहद से गुजर रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप में से अक्सर चेहरे वो हैं जिन्होंने मुझसे चंद साल पहले या मेरे साथ ही, मैं 1993 में पहली दफा एमएनए बना, 35 साल मेरी उम्र थी, आज 62 साल उम्र हो गई है, आज 30 साल तकरीबन इस सफर के बाद, अगर कोई ये सवाल करे कि क्या पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी मजबूत हुई है,
पाकिस्तान में जमहूरियत का अमल मजबूत हुआ है, क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट ज्यादा खुद मुख्तार हुई है, क्या पाकिस्तान के अंदर अदलिया और रूल ऑफ लॉ ज्यादा मजबूत हुआ है, तो हमें अपनी अगली नस्ल के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। ये खेल जो 70-72 साल से चल रहा है, ये पाकिस्तान को आज पस्तियों में फेंक रहा है। मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, आज हमारे कायद का जो पैगाम है वो यही है कि हमने पाकिस्तान को कायदे आजम के ख्वाबों की ताबीर बनाना है। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब ये अवाम की मंशा और वोट की ताकत से चलेगा। बांग्लादेश हमसे 25 साल बाद जुदा हुआ, वो वोट की ताकत को तस्लीम करके आज हमसे आगे निकल चुका है और दुनिया में हर निजाम चलाने के लिए असूल और जाब्ते चाहिए। आप अगर गाड़ी लाते हैं उसके साथ एक किताब मिलती है, मोटरसाइकिल लेते हैं एक किताब मिलती है, मोबाइल फोन लेते हैं उसके साथ एक किताब मिलती है, हर चीज की एक किताब होती है। हत्ता ये कि अल्लाह ने हमें भी एक किताब दी है कि हमने निजाम कैसे चलना है, तो इस मुल्क की भी एक किताब है जिसका नाम आईने पाकिस्तान है। अगर ये मुल्क उस किताब के मुताबिक चलेगा तो फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा, और अगर उस पर नहीं चलाया जाएगा तो पहले भी इसका नुकसान हुआ, आइंदा भी होगा। मैं आप सबको बाकायदा तौर पे आज की इस मीटिंग में शिरकत पे खुशामदेद कहता हूं और पार्टी की तरफ से ये अल्फाज कहना चाहता हूं कि पार्टी को इन बहादुर सपूतों पर, अपने बेटों और बेटियों पर फख्र है कि जो चट्टान की तरह अपने कायद और पार्टी के साथ वफादारी का परचम बुलंद करके खड़े हैं, उसे बुलंद कर रहे हैं और उस पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब मौत